वाराणसी में नए स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जिसके चलते पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को चांदा मेटा शिफ्ट किया जा रहा है, जिसको लेकर भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने तहसीलदार को ज्ञापन सौंपकर पुराने स्वास्थ्य केंद्र को परासिया में रखने की मांग की है। परासिया में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बिस्तरों का किया जा रहा है, जिसके चलते नवीन भवन का निर्माण होना है। यह नवीन भवन उसी स्थान पर बन रहा है जहाँ पर अभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। नया निर्माण होने पर लगभग 1.5 वर्षों का समय लगेगा, जिसको देखते हुए प्रशासन ने स्वास्थ्य केंद्र को चांदा मेटा शिफ्ट करने का निर्णय लिया है। भाजपा प्रतिनिधि मंडल का कहना है कि पुराने स्वास्थ्य केंद्र को परासिया में ही किसी शासकीय अथवा निजी भवन में शिफ्ट किया जाए, जिससे परासिया की गरीब जनता को निरंतर स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिल सके। क्षेत्र में स्वास्थ्य की सुविधाएं बढ़ेगी, किंतु तुरंत की समस्या ये हो रही है कि अस्पताल उसी जगह पर बनना है जहाँ पर अभी स्वास्थ्य केंद्र संचालित है। तो अब जो वर्तमान बिल्डिंग है उसको तोड़ के उसी जगह पर नई बिल्डिंग बनना है, तो ये जो बनने में लगभग 1.5-2 साल का वक्त लगेगा, उतने समय के लिए परासिया का जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है इसे चांदा मेटा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शिफ्ट किया जा रहा है। और इस निर्माण कार्य के लिए लगातार जो जगह की समस्या आती रही है, उसके लिए शासन ने एक निर्णय लिया कि उसी जगह पे फिर से तोड़ के एक अपना 100 बिस्तर का अस्पताल अपने को बनाना है। तो अभी तुरंत के लिए ये चांदा मेटा जो शिफ्ट करना चाह रहे हैं उसके लिए हम लोगों ने मांग की है कि अगर ये परासिया में ही एक कोई किराए की बिल्डिंग या कोई सरकारी बिल्डिंग में लेकर इसको अस्थायी रूप से यहाँ संचालित किया जाए। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।